हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज आपको बताएंगे विदाउट कंटेंट आप कैसे वेबसाइट बना सकते हो और उस वेबसाइट से अर्निंग कर सकते हो। अब एक टाइप का अर्निंग नहीं, बहुत टाइप का अर्निंग कर सकते हो। तो बहुत बंदा ऐसा है जो आर्टिकल लिखने में उसकी परेशानी होता है, वो लिखना नहीं आता है, लेकिन उसको टेक्निकल नॉलेज है। तो उस बंदे के लिए आज की वीडियो है। अब विदाउट कॉन्टेंट में भी आप वेबसाइट बना सकते हो, AI टूल के वेबसाइट बना सकते हो, बहुत सारे टाइप का वेबसाइट बना सकते हो और उस वेबसाइट से आप अर्निंग कर सकते हो, एडसेंस से भी कमा सकते हो, विदाउट एडसेंस भी कमा सकते हो। तो सारे वेबसाइट की आज आपको डिटेल्स में बताएंगे। प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अभी चलते हैं, हम दो चार वेबसाइट को आपको रिव्यू दिखाएंगे, उसकी एनालिटिक्स दिखाएंगे, वो वेबसाइट कितना पुराना वो भी दिखाएंगे और सब कुछ बताएंगे डिटेल्स में। सो फ्रेंड, मैं फर्स्ट एक गूगल में टाइप करता हूँ AI राइटर। जैसे मैंने AI राइटर टाइप किया, जैसे AI राइटर एक तो ChatGPT हो गया। अगर आपको कोई पेड टूल्स लेना है, फ्री में नहीं, पेड टूल्स लेना है, आपकी बताओ कोई AI राइटर जो फर्स्ट आता है AIWriter.com। किसी ने डोमेन ले लिया, उसकी किस्मत है और डोमेन ऐसे डोमेन मिल गया। अभी ऐसे डोमेन में इसकी जो प्राइस है, इसमें कोई आर्टिकल्स ब्लॉग आपको थोड़ा बहुत मिलेगा, ज्यादा इसमें टूल्स मिलेगा, AI राइटर है। अभी इसमें बहुत सारे फीचर्स दे रखे हैं। अभी जैसे मैं प्राइसिंग में जाता हूँ, ये $29 पर मंथ ले रहा है, ये आर्टिकल्स नहीं लिख रहा, आपको जस्ट टूल प्रोवाइड कर रहा है। अभी ऐसे वेबसाइट आप भी बना सकते हो, लेकिन इसको रैंक कैसे कराना है ये भी पूछ रहा ना, इसके बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा। पहले वेबसाइट कैसे बनाना है, कहां से ये सारी पीस की स्क्रिप्ट परचेस करना है, सब कुछ डिटेल्स में बताऊंगा। तो ये हो गया एक AI राइटर टूल्स। इसमें आपको बहुत सारे राइटिंग टूल्स यूज कर सकते हो, ब्लॉग कंटेंट। मैं आपको दिखा देता हूं एक वेबसाइट freetula.com, इस वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हो। इसमें देखो कितने 26, मैं बता देता हूं आपको, इसमें शो मोर में जाओगे तो इसमें कितना AI राइटर, आउटलाइंस, टॉकिंग पॉइंट्स, पैराग्राफ राइटर, फेसबुक एड हेडलाइंस वगैरह वगैरह 46 टूल्स मैंने प्रोवाइड कर रहा हूं, ओनली मंथली 200 रुपीज। तो 200 रुपीज में मैं दे रहा हूं, ठीक है। आप सालाना यूज करोगे तो 2000। ऐसे टूल्स वेबसाइट, इसमें आपको परेशानी एक बार थोड़ा बहुत परेशानी है, लेकिन एक काम आपको लाइफ टाइम करना है, थोड़ा बहुत आपको मेहनत करना पड़ेगा इस ऐसे वेबसाइट के लिए जो आपके लाइफ टाइम में चले, मैं बाद में बताता हूँ, पहले आपको आइडिया देता हूँ। तो मैं फर्स्ट जो वेबसाइट है इसकी, जो वेब सिमिलर में मैं चलता हूँ, इसकी जो रैंकिंग है, ये कब से वेबसाइट बना है मैं बता देता हूँ आपको। ये वेबसाइट है एक कितना 162, इसकी जो ट्रैफिक है 300,000 आसपास था मंथली, अभी थोड़ा डाउन चल रहा है। तो एक टाइप का वेबसाइट ऐसा है। दूसरा टाइप का मैं आपको बता देता हूँ, जैसे डाउनलोड वेबसाइट है, बहुत सारे, जैसे आप गूगल में सर्च करोगे, जैसे AI राइटर मैं इसको हटा देता हूँ, जैसे आप गूगल में सर्च करोगे फेसबुक वीडियो डाउनलोडर, मान के चलो फेसबुक वीडियो डाउनलोडर, यूट्यूब वीडियो डाउनलोडर, जैसे मैंने बता देता हूँ यूट्यूब वीडियो डाउनलोडर ऑनलाइन। अच्छा, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट है, जैसे SSA बहुत पुराना वेबसाइट। मैं थर्ड फोर्थ का कोई ऐसे एक वेबसाइट ले लेता हूँ, जैसे ये वेबसाइट ले लेता हूँ, ठीक है, फोर्थ वेबसाइट ले लेता हूँ। ये एक वेबसाइट बनाया, इस वेबसाइट में आपको ब्लॉग कंटेंट बहुत ही कम मिलेगा, ज़्यादातर इसमें टूल्स का, मतलब फेसबुक हो गया, टिकटॉक हो गया, जितना सारा सोशल मीडिया वीडियो आप इसमें डाउनलोड कर सकते हो। तो इस वीडियो का मैं थोड़ा एनालिटिक्स करता हूँ, इसकी जो मंथली, एक कम्प्लीटली 100% तो नहीं बता, देखो ये वेबसाइट मर्च का है, मार्च 2003 का है और ये 4 मिलियन के आसपास अभी ट्रैफिक जनरेट कर रहा है, आप समझ रहे हो, 4 मिलियन के आसपास ट्रैफिक जनरेट कर रहा है। तो ऐसे वेबसाइट आपको बनाने में बहुत कम पैसे इन्वेस्ट कर, मतलब मैं बहुत कम से कम इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो ये एक वेबसाइट हो गया। देख, ऐसे वेबसाइट कैसे बना सकते हो ये भी मैं बताऊंगा, जस्ट आपको एक दिन में सारे कुछ हो जाएगा, आप कुछ ज्यादा काम करने का आपको थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग नॉलेज होना चाहिए, हो गया। अभी जो तीसरा वेबसाइट है, जैसे मैं आपको बताता हूँ SEO टूल, मैं इसको बता देता हूँ SEO टूल वेबसाइट, जैसे SEO टूल फ्री स्मॉल SEO टूल हो गया, 27 SEO टूल हो गया, SEMrush का, बहुत सारे SEO टूल्स वगैरह वेबसाइट है। तो इसमें SEO टूल सेट.com करके वेबसाइट है, मैं सर्च कर देता हूँ। अच्छा, इसमें SEO टूल प्रोवाइड करता है, ओके। तो इसकी मैं थोड़ा बहुत ट्रैफिक चेक करता हूँ, ज़्यादा पुराना नहीं होगा, इसमें सॉरी नो डाटा दिखा रहा है, मतलब नया वेबसाइट है फिर भी रैंकिंग कर गया। तो ऐसे वेबसाइट से आप तो गूगल एडसेंस भी कमा सकते हो, अगर आप पेड टूल रखते हो, कोई मंथली चार्जेस रखते हो, उसमें से भी पैसा कमा सकते हो। अभी चलते इस वेबसाइट कैसे बनाते हैं, उसके बाद इसमें कौन सा काम करना पड़ता है वो भी बताऊंगा मैं डिटेल्स में। अभी इस वेबसाइट के मैं सारे को एक बार कहाँ से मिलता है मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको जाना है कोड कैनियन वेबसाइट। जैसे कोड कैनियन वेबसाइट में जाओगे, इस वेबसाइट का आपकी बनी बनाई सब कुछ मिल जाएगा, बनी बनाई। आपको एक PHP स्क्रिप्ट लेना है, नहीं तो एक प्लगइन लेना है, नहीं पूरी वेबसाइट आपको ये दे देगा, कोई टेम्पलेट खरीदना है, इतना ही करना है। और उसके साथ साथ आपको क्या करना है मैं बताया, तो आपको एक डोमेन लेना है, वो तो आप नॉर्मल ब्लॉग वेबसाइट बनाने के लिए लेते हो, उसमें साथ साथ ये दोनों चीज लेना है। अभी मैं चलता हूँ AI राइटर के ऊपर, जैसे PHP स्क्रिप्ट है ना, ये न्यूएस्ट में जाता हूँ। अभी इसमें देखो बहुत सारे, जैसे मैं यहाँ AI राइटर टाइप करूँ, जैसे AI राइटर टाइप करता हूँ मैं, यहाँ देखो बहुत सारे AI राइटर है। जैसे ये AI राइटर है, इसकी प्राइस है $39।
मतलब ये $39 में आपको एक बनी बनाई वेबसाइट मिल जाएगा। जस्ट कोई इस वेबसाइट का जो PHP स्क्रिप्ट है एक जिप फोल्डर में होता है, उसको आपको होस्टिंग में अपलोड करना है। ठीक है, हो गया आपका वेबसाइट रेडी, आपको जस्ट एडमिन पैनल दे देगा, वो अपने उसमें से काम कर सकते हो अपना, अगर ब्लॉगिंग नॉलेज आपको 1% रहे तो। तो ये वेबसाइट कैसे बनाना है मैं आपको बता दिया, कुछ नहीं करना है इसमें, जस्ट इसको खरीदना है PHP स्क्रिप्ट को और आपकी होस्टिंग में सी पैनल में आपको इसको डालना, हो गया आपका वेबसाइट बनाना। उसके बाद जो डाउनलोडर वेबसाइट, जैसे ए टू डे डाउनलोडर मैं बताता हूँ, इसमें ए टू कोई डाउनलोड, जैसे यूट्यूब वीडियो डाउनलोड हो गया, कोई भी डाउनलोड हो, जैसे मैं इसका डाउनलोड डालता हूँ, जैसे देखो एक ऑल इन ऑन डाउनलोडर, इसमें सारे पूरा मीडिया प्लेटफॉर्म का वेबसाइट का वीडियो आप डाउनलोड बना सकते हो। ठीक है, तो इसको इस वेबसाइट से एक पेड टूल नहीं है, फ्री होता है इसमें, लेकिन आपको मोनेटाइजेशन के थ्रू आपको पैसा अर्न करना है। मैं आपको पहले बता देता हूँ वेबसाइट कैसे बनाना है, उसके बाद सारे आपको अर्निंग का सिस्टम बताता हूँ। ये हो गया आपका कैसे ए टू जेड, हो गया टिकटॉक वीडियो, इंस्टाग्राम वीडियो, आप ऐसे टूल से बना सकते हो। और SEO टूल जो होता है, जैसे मैं यहाँ SEO टाइप करूँ, ये भी एक वेबसाइट आपको बना के, जैसे जिप फाइल है तो होस्टिंग में आपको जस्ट इसको करना है। जैसे इसकी परचेस करोगे ना, जो उसके डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे तो पूरा लगभग आपको पूरा बना के, जैसे बने बनाए सब कुछ हेल्प सपोर्ट मिलता है 6 महीने का, उसी के अंदर आप बना सकते हो। तो देखो स्मॉल SEO टूल हो गया, बहुत सारे SEO टूल आप बना सकते हो, आप देख लेना इसको, रेटिंग देख लेना ए टू जेड SEO टूल, इसमें कितना टूल्स बता रहे लगता है 60 के ऊपर 90 के ऊपर SEO टूल आपको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे वेबसाइट आप आराम से बना सकते हो। तो तीन टाइप का मैंने बताया, अभी और एक बाकी है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कंप्रेस, मैंने आपको कंप्रेस, जैसे आपने अगर ब्लॉगिंग कर रहे हो तो आपने कभी ना कभी या कहीं ना कहीं इमेज को कंप्रेस करने के लिए कोई टूल की इस्तेमाल करते हो। जैसे मैंने इमेज कंप्रेस ऐसे डाल दिया, देखो मेक यू रोल टीनी PNG, ये भी मेक यू रोल टीनी PNG, ये PNG वो ई कंप्रेसर वाला वेबसाइट है। मैं एक बार आपको इमेज कंप्रेस ओनली कंप्रेस करता हूँ, देखता हूँ PHP इमेज मिलता है कि नहीं। सॉरी दोस्तों अभी तो नहीं मिल रहा, फिर मेरे को ढूंढना पड़ेगा, टाइम लगेगा। ऐसे भी बहुत टूल्स होता है जो इमेज को कंप्रेस करने की, या PHP स्क्रिप्ट या प्लगइन्स आपको मिल जाएगा वर्डप्रेस के लिए, तो आपको फाइंड करना पड़ेगा। मैं अभी मेन तीन टॉपिक लेके आया, तो मेरे को ये टॉपिक याद आ गया इसलिए आपको बता देता हूँ। आप कोई भी टूल से वेबसाइट इसमें से बना सकते हो। ओके, अभी मेन पॉइंट पे चलते हैं। अभी सारे वेबसाइट मैंने ले लेता हूँ, जैसे ए वेबसाइट ले लेता हूँ, फर्स्ट वाला वेबसाइट, इसकी मैं बैकलिंक चेक करूंगा। पहले मैं AI राइटर की जो बात किया था, फर्स्ट AIwriter.com जो फर्स्ट AI राइटर मैंने बताया था, इसकी बैकलिंक है मान के चलो 2.74 बैकलिंक से। इस वेबसाइट के लिए मेन जो काम करना पड़ता है बैकलिंक का काम, आपको बैकलिंक लाइफ टाइम बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर रैंकिंग के लिए बता रहा हूँ मैं, तो उसकी देखो ये वेबसाइट मैंने लाइफ टाइम, जैसे ऑल टाइम किया तो इसमें 2017 में ओपन किया था इन्हें, इन्होंने रेफरिंग डोमेन यहाँ से जाके 2030 इसमें 2089 रेफरिंग डोमेन हुआ। उसके बाद इसकी बैकलिंक अगर सोचो तो बैकलिंक 27,000 बैकलिंक इन्होंने अगला 5 साल में लगभग बना चुका है। तो 5 साल में इतना बैकलिंक बना है, बाकी थोड़ा बहुत ब्लॉग आर्टिकल्स लिखा और इसको रैंकिंग हो गया। अब ये मंथली एक चार्जेस से आपकी पैसा कमा सकता है, तो एक पैसा आने का एक तरीका हो गया। और जो मैं जो डाउनलोड वेबसाइट के बारे में बात कर रहा हूँ, जैसे ये डाउनलोड वेबसाइट है, जैसे ऐसे वेबसाइट के लिए क्या होता है, ऐसे वेबसाइट के लिए पहले आपको ब्लॉग पोस्ट लिखना पड़ेगा 20-25। ठीक है, एक 20-25 ब्लॉग पोस्ट लिख लिए, अभी आपको बैकलिंक क्रिएट करना है। जैसे मैंने आपको दिखा देता हूँ, ये जो वेबसाइट है जैसे डाउनलोड, इसकी होम पेज में मैं जाता हूँ और इसकी मैं बैकलिंक चेक करता हूँ। ओके दोस्तों, ये इसका 310 रेफरिंग डोमेन है। ठीक है, रेफरिंग डोमेन से और इसकी बैकलिंक से 4,100 बैकलिंक इन्होंने बनाया। और इसकी जो स्टार्टिंग किया था ये बंदे ने, ये 2022 में स्टार्टिंग किया था, आप समझ रहे हो, 2022 में बंदा डाउनलोड वेबसाइट बनाया और 22 एक साल के अंदर इन्होंने इतना बैकलिंक्स बनाया। कितना बनाया, 4,000 बैकलिंक्स ओनली बनाया। उसमें से कितना बनाया मैं नो फॉलो डू फॉलो आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन इस टाइम अभी इतना नहीं दिखाएंगे आपको, अगर कमेंट करोगे मैं बता दूंगा। इसमें नो फॉलो डू फॉलो इतना ही बैकलिंक बनाया और इसका मंथली जो विजिटर था 9 मिलियंस के आसपास विजिटर आ रहा है, आप समझ रहे हो। तो इसी का टैग करके भी बैकलिंक बना सकते हो। तो मेन काम होता है बैकलिंक का, जैसे आपका ट्रैफिक आएगा आपकी वेबसाइट में 20-25 आर्टिकल्स होगा तो गूगल ऑटोमेटिकली आपको एडसेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं डाउनलोड जो वेबसाइट है इसके लिए मैं एडसेंस की जो बात किया, जो एडसेंस मिलता है इसके लिए वो अलग बात है, लेकिन जो AI राइटर है इसमें से आपको एडसेंस ले सकते हो, लेकिन पेड टूल में खास करके नहीं मिलता है। तो आपको उसमें भी ब्लॉग थोड़ा बहुत बनाना अगर एडसेंस लेना है तो। ठीक है, तो ये 2-3 तरीका वेबसाइट है जिसमें से मंथली आपको 1-2 साल मेहनत करना पड़ता है, आप बहुत सारे पैसा अर्न कर सकते हो। आपको जो ब्लॉग लिखने का टेंशन है नहीं हो सकता, मतलब आपको ब्लॉग लिखने का जो मेन टेंशन है
वो नहीं होगा। इसमें जस्ट आपको थोड़ा बहुत काम करना है डैशबोर्ड को, आपको जो डैशबोर्ड है उसको थोड़ा मेंटेनेंस करना है। तो दोस्तों और भी टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए, जैसे इसी टूल्स के वेबसाइट आप मैंने सोच रहे हो मैं और कोई टूल्स बनाओ, तो मेरे को कमेंट जरूर करना और इंस्टाग्राम में फॉलो करना, उसमें भी बताना आप लोग, मैं आपके लिए नया कोई वीडियो लाऊंगा और आपको लोगों को 100% हेल्प करूंगा। और बहुत बंदे को ऐसा हो रहा है जो वर्डप्रेस बिगिनर है उसमें बहुत सारे एरर आ रहा है, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो अलग से मेरा चैनल में डाला, उस वीडियो को देखना। आप मेरे को लिंक भेजोगे, आपके वेबसाइट का कोई भी प्रॉब्लम मैं खुद चेक करके आपके सॉल्व सॉल्यूशन बता देंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।